हिंदू समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या मामले में रविवार को लखनऊ के नाका इलाके में स्थित खालसा होटल में सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17-18 अक्टूबर की रात 12:08 पर होटल में चेक इन किया था। वहीं 18 अक्टूबर की सुबह 11:38 पर दोनों आरोपी भगवा कपड़े पहने होटल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आरोपियों के हाथ में थैली भी नजर आ रहा है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। लखनऊ के होटल खुलासा करते हुए ये सामने आया है कि कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। होटल में खून के धब्बे लगे हुए भगवा कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही होटल रूम के अंदर से कुछ बैग और दूसरा सामान भी बरामद किया गया। ये कमरा अशफाक और मोइदबिन के नाम से बुक किया गया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड से पाकिस्तानी कनेक्शन जुड़ा होने की खबर सामने आई है। एटीएस सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी शख्स के युवा आरोपी राशिद नौकरी करता था। वहीं इस कनेक्शन के सामने आने के बाद अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। वहीं कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद कमलेश का परिवार सीएम योगी से मिलने पहुंचा। इस दौरान मृतक कमलेश के परिवार ने सीएम योगी के सामने अपनी 11 मांगे रखी है। इस दौरान कमलेश तिवारी की पत्नी, बेटा और मां ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के डीजीपी ओपी सिंह भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे। सीएम योगी और डीजीपी ओपी सिंह ने कमलेश तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने कमलेश के परिवार वालों को आरोपियों को जल्द अरेस्ट करने का आश्वासन भी दिया। कमलेश तिवारी हत्याकांड पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने इससे सीएम योगी से सवाल पूछा है और इस दौरान दिग्विजय ने यह भी कहा कि सीएम योगी एक ब्राह्मण की हत्या को कैसे देख सकते हैं। साथ ही तंज कसते हुए सीएम योगी ने योगी सरकार के साथ साथ सीएम योगी पर भी निशाना साधा। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब वीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाने और बढ़ाने को लेकर विवेचना की जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों के एसपी और डीजीपी ऑफिस ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा बढ़ाने या घटाने पर फैसला लिया जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पीओके के अंदर मौजूद आतंकवादी शिविरों पर सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। भारतीय सेना की ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश के बाद की जा रही है। वहीं भारतीय सेना ने आतंकी कैंपों को निशाने बनाने के लिए आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में रविवार को गोलियां चलाई। इस दौरान एक नागरिक मारा गया और दो सैनिक शहीद हो गए। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में 3 नागरिक घायल हुए हैं और 2 मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने बीते 18 अक्टूबर को भी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की अग्रिम चौकियां और गांवों को निशाना बनाते हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे हीरानगर सेक्टर के मनियारी चोरगली क्षेत्र में अकारण गोलीबारी शुरू कर दी, जो पूरी रात रुक रुक कर जारी रही थी। त्योहारों के पहले बिहार राज्य में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राजधानी पटना समेत पूरे राज्य के 15 जिलों में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। वहीं आतंकी हमले का खतरा देखते हुए परे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के लिए सभी इलाकों में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है और चुनाव की तैयारी की जा रही है। चुनाव को देखते हुए दोनों ही राज्यों में सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी किया जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही 17 राज्यों की 64 सीटों पर भी कल वोट डाले जाएंगे। इनमें ज्यादातर सीटें 2019 लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। वहीं उपचुनाव के लिए भी सभी शहरों में पोलिंग पार्टियां पहुंचने लगी हैं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिन के अमेठी दौरे पर है। यहां से सांसद स्मृति ईरानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी संदेश यात्रा में शामिल होगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को स्मृति ईरानी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ अमेठी आएगी, जहां अमेठी में जिला अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इस बार दिवाली को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस दिवाली पर अयोध्या में 12 घाटों पर 4,55,000 दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए 5,500 स्वयंसेवक घाटों पर सक्रिय रहेंगे। वहीं अगर ये आयोजन प्लान के मुताबिक रहा तो इस बार फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अयोध्या की दिवाली का नाम दर्ज किया जाएगा। वहीं गोंडा के खाद्य विभाग में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में मिठाई बनाने का मिलावटी सामान और पैक्ड मिठाई बरामद किया गया है। फूड सेफ्टी अधिकारी के मुताबिक ये मिठाई कानपुर से लाई जा रही थी। फिलहाल अधिकारियों ने पकड़े गए सामान को सीज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के संभल में हथियारों के बल पर लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। हथियारों से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और बंधक बनाकर नकदी सहित करीब 4,00,000 से अधिक की डकैती की। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे तक घर वालों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। चौकी से महज कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया था। गोरखपुर में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने रेलवे बस स्टेशन के पास से बड़ी मात्रा में खोवा, छेने की मिठाई बूंदी को बरामद किया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए उनको मिलावटी सामान आने की खबर मिली थी, जिसके बाद कचहरी बस स्टैंड से लगभग 9 क्विंटल खोवा, 2 क्विंटल बूंदी, 70 किलो छेने की मिठाई, 4 बोरी में पिसी चीनी बरामद की गयी है। संबल स्वास्थ्य महकमे में बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। यहां अस्पताल के फार्मासिस्ट ने मोबाइल की लाइट में बच्चों की ड्रिप लगा दी है। पूरा मामला संबल की गुन्नौर सीएचसी में का है, जहां तबियत खराब होने के बाद एक बच्चे को उसके परिजन उसे घर लेकर आए थे, जिसके बाद लाइट चालू कराने की जगह सीनियर फार्मासिस्ट ने परिजन से के मोबाइल की लाइट चालू कराकर बच्चे को ड्रिप लगा दी। ये लापरवाही सीएचसी में लाइट और जनरेटर दोनों होने के बावजूद की गई है। देहरादून में 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद झड़प की गई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को जबरन उठाया। वहीं पुलिस से झड़प के दौरान एक छात्र घायल हो गया। वहीं छात्रों ने पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया है। हल्द्वानी के हेड़ा खान मार्ग के रोशीला इलाके में सड़क दुर्घटना में घायलों से मिलने के लिए उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना, साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था को भी देखा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक और एक कार सड़क से के नीचे खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी रेस्क्यू जारी है। आज सुबह कार में सवार 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस सभी मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और सिनेमा जगत के दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। अभिनेता आमिर खान, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज कलाकार इस इवेंट में शामिल हुए और गांधी जी से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर अपने सुझाव भी दिए हैं। आमिर खान ने बापू के विचारों को प्रचारित करने के लिए पीएम मोदी की कोशिशों की सराहना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म जगत की हस्तियों से दांडी में बने गांधी म्यूजियम घूमने की भी अपील की। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने पुर्तगाली कानून के अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह अनुच्छेद कैथोलिक समुदाय के विवाह और तलाक संबंधित मामले से निपटने के लिए चर्च ट्रिब्यूनलों को कानूनी मान्यता देता था। जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने इसे हफ्ते सुनाए अपने 95 पेज के आदेश में अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए शादियों को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में मतदान से 24 घंटे पहले पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मुंबई के बांद्रा वर्ली से लिंक के
करीब पुलिस ने 4,30,00,000 कैश बरामद किया है। ये कैश एक गाड़ी के अंदर से बरामद किया गया। फिलहाल कार्रवाई करते हुए कैश और गाड़ी जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर लिए गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और इलाके से गुजरने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में अचल दिल्ली हाफ मैराथन आयोजित हो रहा है। मैराथन में भाग लेने वाले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और जयसिंह रोड पर इकट्ठा हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हाफ मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर और 10 किलोमीटर के दायरे में घूमकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी। करतारपुर साहिब यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। श्रद्धालु का पहला जत्था 5 नवंबर को और दूसरा जत्था 6 नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर जाएगा। डेरा बाबा नानक साहिब और गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु का जत्था 13 और 14 नवंबर को भारत लौटेगा। करतारपुर के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष फॉर्म जारी किया है, इसे ऑनलाइन भरा जाएगा। 4.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से एक हफ्ते पहले यानी 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाला जिले में है, जो कि डेरा बाबा नायक के समीप सीमा में 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए काफी पवित्र है, क्योंकि गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 18 साल और अपना अंतिम समय यहीं पे बिताया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के पाक के नियोतों को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो वहां जाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से। पाकिस्तान 9 नवंबर को आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन करेगा। ये बात खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की है। छत्तीसगढ़ में बाघों की गणना में नए सिरे से होगी। हाल ही में हुई गणना में बाघों की संख्या में 19 बाघ निकले थे। छत्तीसगढ़ में बाघों की गणना पिछले सरकार में हुई थी। माना जा रहा है कि बाघों की गणना करने वाली टीम नक्सली घुसपैठ वाले इलाकों में गई ही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाके इंद्रावती और उदंती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के ऐसे इलाकों को छोड़ दिया जाएगा जहाँ बाघों की पहले मौजूदगी के प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन अब वहां नक्सली मूवमेंट है। नक्सलियों के कारण टीम वहां पहुंची ही नहीं और बाकी जगह जितने प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 60 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बोनस का लाभ डीईएफओ के सभी ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों को साल 2018-19 के लिए मिलेगा। बोनस का पैसा जोनल ऑफिसर की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर तय की गई है। बोनस के लिए तमाम नियम वित्त मंत्रालय के टर्म एंड कंडीशन के अनुरूप ही होंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करोड़ों यूजर्स बेहद आसान तरीके से बैंक अकाउंट से लिंक अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आप उस नंबर को बदलना चाहते हैं जो पहले से आपके अकाउंट के साथ लिंक है, तो आप बिना बैंक जाए भी ऐसा कर सकते हैं। नए मोबाइल नंबर को अपडेट कराने के लिए एसबीआई खाताधारकों के पास अपना एटीएम डेबिट कार्ड और वर्तमान मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इस विलय के खिलाफ 2 बैंक यूनियन 22 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस हड़ताल की वजह से अधिकार सरकारी बैंकों के कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है और बैंक ने यह भी कहा है कि वो हड़ताल के दिन अपनी तमाम शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। अमेरिका की एक अदालत ने फेसबुक की उच्च याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उस पर इलिनोइस के नागरिकों के चेहरे की पहचान संबंधित डेटा के कथित दुरुपयोग के खिलाफ 25 खराब का मुकदमा दायर किया था। सैन फ्रांसिस्को में 9 सर्किट वाले न्यायाधीशों की 3 न्यायाधीशों के पैनल
के साथ ये ऐलान किया गया है। देश का दोपहिया वाहनों का निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर की छमाही में 4% बढ़ गया है। इस दौरान सबसे अधिक निर्यात बजाज ऑटो का रहा। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार पहली छमाही में बजाज ऑटो ने अफ्रीका और लालित अमेरिका सहित विभिन्न बाजारों को 9 लाख इकाइयों का निर्यात किया। अमेज़न ने दिवाली के पहले ही एक बार फिर से सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल की शुरुआत 21 अक्टूबर सोमवार से होगी और ये शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और कई एम्प्लाइजेस पर डील्स और डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। सेल के दौरान हर बार की तरह प्राइम मेंबर्स को डील्स का अर्ली एक्सेस दिया जाएगा। प्राइम मेंबर्स कल दोपहर यानी 12 से डील को एक्सेस कर सकते हैं। बेबी प्रोजेक्ट के जरिए हर घर में जगह बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन सवालों के घेरे में है। कंपनी ने अमेरिका में करीब 33,000 बेबी पाउडर के बोतलों को वापस मंगवाया है। बेबी पाउडर के नमूने में एस्टेबेस की मात्रा का पता लगा है। आपको बता दें कि एस्टेबेस एक घातक कर्सिनोजन है जिसमें इंसानों में कैंसर बढ़ाने को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ये पहली बार है जब अमेरिका की स्वास्थ्य नियमों में प्रोजेक्ट में एस्टेबेस की मात्रा पाई गई है। वहीं पहली बार कंपनी ने अपने बेबी पाउडर प्रोडक्ट को बाजार से वापस मंगवा लिया है। बहरहाल इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर 6% लुढ़क गए हैं। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित तुर्की यात्रा को रद्द कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तुर्की ने हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान का साथ दिया है। यही नहीं, इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े निवेश सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27-28 अक्टूबर को सऊदी अरब जा रहे हैं। उन्हें वहां से तुर्की जाना था लेकिन अब पीएम मोदी तुर्की नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। तुर्की ने शनिवार को कुर्द बलों पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सीमा के पास के सुरक्षित क्षेत्र से पीछे हटने की स्थिति में तुर्की सीरिया में अभियान रोकने को राजी हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तुर्की के सशस्त्र बल समझौते से बंधे हैं। इसके बावजूद आतंकियों ने पिछले 36 घंटे में 14 हमले किए। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी पूर्वी सीरिया के सीमाई शहर रास अल ऐन से 12 हमले किए गए। इसके अलावा ताल अब्याद और तल तम्र क्षेत्र में भी हमले किए गए हैं। दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के मसले पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने देश में विपक्ष के प्रदर्शन को सेना के जरिए कुचलने की कोशिश में है। इमरान सरकार राजधानी इस्लामाबाद में विपक्ष के मार्च को रोकने के लिए सेना को बुला सकती है। विपक्षी दलों ने इमरान खान पर चुनाव में धांधली कर सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन एफएटीएफ ने श्रीलंका को संदिग्ध सूची से बाहर कर दिया है। श्रीलंका अब एफएटीएफ की वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण अनुपालन की जारी प्रक्रिया के तहत निगरानी में नहीं होगा। एफएटीएफ ने अक्टूबर 2016 में घोषणा की थी कि श्रीलंका आतंकी वित्त पोषण को लेकर उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी समीक्षा समूह की निगरानी में होगा जो श्रीलंका में एमएलसीएफटी की प्रभावशीलता का आकलन करेगा। श्रीलंका को अक्टूबर 2017 में संदिग्ध सूची ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। मुकाबले का आज दूसरा दिन है। भारत आज मजबूत नजर आ रहा है। जहां रहाणे शतक बनाकर आउट हो गए तो वहीं रोहित ने अपना दोहरे शतक पूरा कर लिया है। इसी के साथ रोहित शर्मा ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक। रोहित ने ये कीर्तिमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट में दूसरे दिन हासिल किया है और इसके साथ ही रोहित ने इस टेस्ट सीरीज में खुद को बखूबी साबित भी कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि बतौर ओपनर वो कभी पीछे नहीं रहेंगे।
कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज में आराम कर सकते हैं क्योंकि वो काफी समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। कई सीनियर खिलाड़ी बीच में आराम करते रहे हैं लेकिन कोहली ने इससे पहले सिर्फ जनवरी में ही ब्रेक लिया था। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विराट को बांग्लादेश के खिलाफ नहीं उतारा जाएगा। बंगाल वॉरियर्स ने फाइनल में दबंग दिल्ली को 39-34 से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमें पहले हाफ में 17-17 से बराबरी पर थी लेकिन बंगाल ने दूसरे हाफ में अच्छी वापसी करते हुए 39-34 से मैच जीतकर पहली बार चैंपियन बनकर खिताब अपने नाम कर लिया। सरफराज को कप्तानी से हटाए जाने के बाद शोएब अख्तर का मानना है कि कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम में सरफराज अहमद को जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सरफराज टेस्ट एवं T20 में पाकिस्तानी की कप्तानी नहीं करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की 18 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म लाल कप्तान ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत धीमी शुरुआत की है। नवदीप सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सैफ अली खान का डेडली लुक में लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर से जुड़ी जो पहली चीज किसी के भी जहन में ठहर जाती है वो है सैफ का अघोरी लुक। जटा वाले लुक में राख लपेटे सैफ का लुक भले ही बड़ा डिप्रेसिव हो लेकिन फिल्म लोगों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पा रही है। मचविजित मल्टीस्टारर फिल्म पागलपंती के पोस्टर सामने आ गए हैं। अलग अलग पोस्टर के साथ फिल्म के सभी लीड कैरेक्टर्स के लुक को रिवील कर दिया गया। पोस्टर में सभी किरदारों के लुक काफी फनी लग रहे हैं। वहीं थ्रिलर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर इस फिल्म से कॉमेडी फिल्मों में कदम रख रहे हैं। यह फिल्म 22 नवम्बर को रिलीज की जाएगी। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म बाला एक बार फिर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले को लेकर चर्चा में आ गई है। पहले फिल्म की कहानी और अब फिल्म के गाने को लेकर बाला मेकर्स परेशानी में है। मशहूर सिंगर म्यूजिक कंपोजर ने गाने के मेकर्स पर उनका गाना चुराने का आरोप लगाया है। सिंगर म्यूजिक कंपोजर ने मजॉक फिल्म बादशाह सोनी म्यूजिक और सचिन जिगर को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि ये आपने कब कंपोज किया। सीधे पॉइंट पर आते हुए कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई है, आप मेरे पुराने हिट गानों को इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल होने की जरूरत है, आपसे तो मेरे लॉयर मिलेंगे।